हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है एक बार फिर आपका चैनल पे। दोस्तों, पिछले आधे घंटे से वन्ना जी गोभी काट रही हैं दोपहर का खाना बनाने के लिए, और मुझे लग रहा साथ में उनका वही फेवरेट चल रहा है, इश्की वाला नाटक। चलिए देखते हैं वो कर क्या रही हैं, है ना, और कितनी मगन है अपने नाटक में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। क्या हुआ, इतनी एकटक देख रही हो? अब क्या देख रही हो यार? कितने दोस्तों देखो यार, इसकी इसकी होगा इसकी है? पर जोर नहीं, वही मतलब इसकी है इसमें। मैं तो इसकी इसकी बोलता हूँ इसको, बस इसके पर जोर नहीं। इतना एक तक देख रही हो, तुम्हारे पिछले आधे घंटे में कितनी गोभी कटी है बताना मुझे ना। अब ऑलमोस्ट कटी, खत्म होने वाला। ऑलमोस्ट कटी है। 3 दिन में देखो, आपने ऐसी नजर लगाई, 3 दिन में आप डाउनलोड हुआ है दोस्तों। ये जो आपकी जो लेटेस्ट वीडियो आई है, ये वन्ना कह रही है 3 दिन के बाद आई है। भाई साहब, मैं कसम से बड़ा तंग हो गया इस नाटक से, बहुत ही ज्यादा। मतलब एक तो ये है कि इसकी इतना रोने वाली लेडी है, इतना रोने वाली, कितना रोती है यार वो लड़की है, जो भी है लड़की, इतना रोती है। मतलब खुशी के मोमेंट पर भी वो रोती ही रहती है। मैंने आज तक लिटरली, मतलब उसे मैंने किसी भी एपिसोड में हंसते हुए नहीं देखा है। वो जी खुशी के आंसू हैं, तो रोती हुई भी रहती है। खुशी खुश तो हो कम से कम कभी। और दादी क्या करती है, क्या नहीं करती है, देखो फेस एक्सप्रेशन देखो, देखो सीखो। दादी क्या क्या करती, किसी को नहीं पता है। दादी का इतनी मतलब गेम इतना बढ़िया चलता है, कोई नहीं जानता है। मैं तो कह रहा हूँ भैया, एक कोई जानता हो अगर AVM को तो फोन कर दो उसको, लो भाई एक एपिसोड देख ले, दादी का सारा गेम पता लग जाएगा। है मेरे पास होता ना AVM का नंबर, मैं उसे फोन करके बोलता भाई चक्कर मत पड़, एक एपिसोड देख ले पिछला वाला, तो जो दादी का सारा सीन पता लग जाएगा कि दादी कर क्या रही है। है ना, देखो इसकी, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है यार। उसकी मदर इन्होंने मना किया दादी के चक्कर में मत पड़, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बस रोती ही रहती है। है ना, और तुम ऐसी, तुम उसके चक्कर में उसे एक टक देखती रहती हो कि इसकी कर क्या रही है। सब सारी दुनिया को पता लग गया कि उसमें हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है AVM को छोड़ के। बाय गॉड, मेरा इतना मन करता ना कभी कभी मुझे कैसे नंबर मिल जाए AVM का भाई, और मैं मैसेज कर दूं कि भाई ये लिंक भेज दूं उसे लास्ट एपिसोड के, एक दो के, कि भाई ये लिंक है तू एक दो एपिसोड देख ले, तेरे को समझ में आ जाएगा कल्प्रिट दादी ही है सबसे बड़ी। है ना, ड्रामा खत्म। ये देखो तभी तो आपका नंबर, आपको नंबर नहीं दे रहे ना उसका, जब ने मेरा ड्रामा ही। लेकिन सीरियसली नजर ऐसी लगी कि ये इश्क पर जोर नहीं है, खत्म होने वाला है। कितने एपिसोड और चलना है? मुश्किल से 3 या 4। मुझे तो कोई नया आ जाएगा उसमें, क्या है कोई दूसरा आ जाएगा इश्क पर जोर नहीं की जाए। मुझे ऑलमोस्ट ना बड़ा दुख हो रहा है यार, एक तो यार लॉकडाउन और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। फ्रेंड्स, उधर से रोशनी थोड़ी ठीक नहीं आ रही, तो जो है रोशनी आ रही कम से कम अच्छी। बहुत गोरे दिख रहे हैं इधर से। जलन हो रही मेरे गोरे रंग से और कुछ नहीं है। यू जेलस। तो गाइस, लेटेस्ट अपडेट ये है गाइस कि मेलबर्न में 77 केसेस आए हैं, और इसी के साथ लॉकडाउन जो है आगे बढ़ा दिया गया, फिलहाल 2nd of September तक है, आगे बढ़ने के चांसेस है। और साथ में चाइल्ड केयर बंद हो गए हैं, बच्चों की, बड़ों की होम स्कूलिंग चल रही है, छोटे बच्चों का जो है चाइल्ड केयर बंद हो चुका है अभी तो। है पापा सफाई अभियान पे चल रहे हैं आजकल, तो इसका मतलब ये है कि छोटे बड़ों के साथ साथ अब छोटे बच्चों ने भी बहुत ज्यादा तंग करना है, और दोनों दोनों का जिसके जितने बच्चे होंगे सबके उतने बच्चे तंग करेंगे, और बच्चों की माएं अलग से तंग करेंगी। तो भाई साहब बहुत, आई डोंट नो, लाइफ थोड़ी हार्ड होने वाली है अगले कुछ दिनों के लिए, है ना। तो आज मौसम बहुत अच्छा, बाकी कुछ नहीं पता। आज नाटक भी अपलोड हुआ है तो मैं बहुत, 3 दिन के बाद, बट इस बंदे ने मुझे नाटक नहीं देखना, इसकी तो देखने ही नहीं देना। मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ कि भाई खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, क्या बन रहा है। भाई साहब कितनी कटी दिखाना जरा गोभी, दिखाना कितनी कटी है, दिखाओ तो कितनी कटी है, अरे दिखा तो दो। वो तो शुगर है, वो तो शुगर है 20-22 मिनट का आता है इसकी, कहीं होता ना 1-1.5 घंटे का तो कुछ नहीं मिलना था टाइम से, ना खाना, ना लंच, ना डिनर, उसी को 2-4 बार देख लेते। लेकिन कुछ लोगों की ना नजर बहुत बुरी होती है, कहा आपसे लास्ट टाइम कहा था, उसी शायद उसके 1-2 दिन बाद आ गई न्यूज की इश्की होने वाला है बंद आखिरी एपिसोड। मैंने तो आखिरी एपिसोड के भी सीन थे ना छोटे छोटे, वो भी 10-12 बार देख ली, उसमें दुल्हन बनी हुई, उसमें देखा भी क्या होगा, इसकी रो रही होगी। दुल्हन बनी हुई है इसलिए भी रो रही है। वो कोई से भी गेटअप में आ जाए भाई साहब, बस रोना ही रोना, रोना ही रोना है इसकी का, और कुछ नहीं है। मैं तो कसम से, वैसे इसकी है दिखने में तो अच्छी लगती है, मगर इतना कौन रोता है भाई, इतना कौन रोएगा, है ना। टैलेंट सोने की,
दादी के अलावा सब रोते हैं देखा। लेकिन ये कि सास भी कभी बहू थी। लेकिन ये अच्छा है ना कि कैमरे पर रोना रोना दिखा के बड़े पैसे कमाओ और बाद में हंसो आराम से, है ना। एनीवे गाइस, तो मेलबर्न का लॉकडाउन बढ़ गया है, हम लोग फिर से भी घर पे हैं, सॉरी। तो आप लोगों को ज्यादा हम बाहर के व्लॉग्स नहीं दिखा सकते क्योंकि अलाउड नहीं है। दिन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल वर्कर ही बाहर जा सकते हैं और रात में कर्फ्यू है 9 to 5 AM। बिल्कुल भी किसी भी रीजन से बाहर जाना अलाउ नहीं है, मतलब मींस इसेंशियल मेडिकल वगैरह के अलावा कोई अगर है तो जा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग बाहर अब नहीं जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से मंडे से और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, दिन में भी अब और स्ट्रिक्ट होने वाले हैं आज के नंबर्स की वजह से। और हुआ क्या है, कल रक्षाबंधन है तो आज कुछ नहीं, चलो इस बात इसीलिए बिजी रहेंगे, थोड़ी मिठाई बना लेंगे। आज का दिन ही थोड़ा बिजी है, क्या बनाओगे आज मिठाई में? रसगुल्ले बनाऊंगी और कुछ और प्लान क्या देखिए, बस खुद ही बनाएंगे खुद ही खा लेंगे। यही होगा, इस बार तो कुछ त्योहार भी नहीं मना पा रहे हैं, हमेशा इतने एक्साइटेड रहते हैं ना नीतू जाने के लिए, तपती दीदी के पास जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, क्या कर सकते हैं। इस लॉकडाउन ने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है। एनीवे गाइस, तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। और इसकी देख के आप लोग भी इसकी देख लिया करो, है ना। अगर अच्छा लगता मुझे बताना, वाकई कोई प्लीज कमेंट करके इसकी नाटक ऐसा वाकई में इतना अच्छा नाटक है क्या? मैं नहीं देखता हूँ इसकी, जोकिंग जस्ट। ये क्या है अच्छा फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी मशीन है, मैजिक मशीन मेरे लिए तो, क्योंकि होता क्या है, हम जब छोटे थे तभी, क्या बोलते हैं इसको, छोटे थे तभी आपने देखा होगा जो अच्छे स्वेटर पे, नए स्वेटर पे रोए नहीं आ जाते हैं, वो आलसी लोग आते हैं जो स्वेटर पहन के सो जाते हैं रात में, ठीक है। और किसी की नहीं आते, और किसी की नहीं आते स्वेटर उतार के टी शर्ट पहन के सो ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है समझिए, वो वैसे भी आ जाते हैं रोए, अगर आप उसके ऊपर शॉल भी ले लो ना तब भी आ जाते हैं। ये लड़कों को नहीं समझ में आएंगी बातें, ओके ओके, दुपट्टे अगर शॉल भी ले लो तो भी आ जाते हैं। तो लड़कियां कौन सा कार्डिगन पहन के शॉल पहनती है, वो सिर्फ शॉल पहनती है, है ना। पार्टी में भाई साहब देखो, कभी भी जाओ कितनी भी सर्दी हो रखी हो, लेडीज ने मजा ले जो कभी उसको स्वेटर पहन रखा हो उसके ऊपर शॉल लपेटी हो, बंदे इनर सिर्फ शॉल ही होगी अगर होगी तो, है ना। बंदों को घर में ठंड ना लगे, जिस दिन शादी में जाना हो या तो ठंड में तो ठंड लगेगी, घर में कितना लगे, नॉर्मल स्वेटर पहनेंगे, बट जिस दिन शादी में जाना हो इनर पहनना है, उसके ऊपर स्वेटर पहनना, उसके ऊपर कोट पहनना, अरे भाई इतनी भी ठंड नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग ज्यादा पहनते हो और हम महंगी साड़ियाँ पहनी है, इसका क्या यूज है, ये है क्या, है क्या चीज़? बताती हूँ, महंगी अच्छा। साड़ियाँ पहनी है, अच्छा मेकअप किया है, ज्वेलरी किया है, अब वो भी तो दिखाना है ना, तो फिर उसमें एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो कि भाई स्वेटर के ऊपर शॉल पहन ली तो रोया आ गया, ऐसा तो कभी नहीं आता। अच्छा तुम ये कहना चाह रहे कि हम स्वेटर के ऊपर कोट पहनते हैं इसलिए उसमें रोया आता है, तुम ब्लेम हम पे डालना चाह रही हो बॉयज पे, है ना। देखा पकड़ लिया ना, अगर नचे वो भी देखती है, ये कौन सा ये काटे लाल एंड डॉटर्स, नहीं अच्छा वो भी नाटक। तो फ्रेंड्स ये है आर्विक का स्वेटर छोटे वाले का, और आप इस पे देख सकते हैं, आर्विक को मुझे भी ये बहुत पसंद है, आप इस पे देखिए ये रोया आया हुआ है ना यहाँ, शेड अरे मैंने पहले कर दिया ना, 4-5 दिन पहले भी किया था मैंने, वो रात को पहन के सो जाता है। तो ये देखिए मशीन है ये मेरी, ये फिलिप्स की मशीन है, मैं इसका एग्जैक्टली नाम आपको बता दूंगी, अभी बता दूंगी, बोलते हैं लिंट रिमूवर, दैट्स आप स्मार्ट बहुत हो। तो फ्रेंड्स आपको केमार्ट में भी मिल जाएगी ये, बट मैंने जेबी हाई फाइव से ली थी और फिलिप्स की, और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, इंडिया में भी ऑनलाइन मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और हमारे पास हमारे घर पे ना कपड़े वाले बेड हैं, तो उनके ऊपर भी रोया आ जाता है, फैब्रिक वाला बेड ना, हाँ। तो तकिए जो हम पिलो यूज करते हैं तकिए, उनपे भी रोया आ जाता है, उनकी वजह से भी आ जाता है, उनको भी क्लीन करने का। ये तो जो आपके कुशन है और जो भी आपके अच्छे कपड़े हैं उन सब के लिए ये मल्टीपर्पज है, ठीक है ना। तो आप, मैं आपको आपको दिखाती हूँ इजी कितना यूज करना, इवन बच्चे भी फन के लिए यूज करते हैं, यू कैन सी हियर, या फ्रेंड्स चीज बहुत बहुत अच्छी है, यू लव इट, और आप बोलोगे कि ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। अब आप देखिए बिफोर एंड आफ्टर एंड लुक एट हियर, और इजी है, बहुत इजी है क्लीन करना, जस्ट रिमूव, और जब ये भर जाए तो इसे क्लीन कीजिएगा, और इसकी बैटरी बहुत चलती है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एरिया, ये पोर्शन मैंने किया है और ये पोर्शन नहीं किया, यहाँ और यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो यहाँ करके दिखाना इस वाली जगह पे, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कपड़ों को दोबारा नहीं दे सकते, बिल्कुल एग्जैक्टली, स्पेशली एक्सपेंसिव कपड़ों को आपके, देखिए फ्रेंड्स, देखिए
यू कैन सी, अब आप यहाँ डिफरेंस देखिएगा, यहाँ डिफरेंस देखिए और यहाँ डिफरेंस देखिए, है ना कमाल की चीज। और ज्यादा महंगी नहीं है सच में, अगर आपको ऑनलाइन मिल रही है अमेजोन पे या कहीं भी, आप वहां से भी ले सकते हैं इंडिया में, तो ट्राई कीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। ये था आज का व्लॉग लॉकडाउन में वापस। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जिन्होंने ये वॉल पैनल वाली वीडियो देखी और उस पर कमेंट किया कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों को उधर वाली वॉल पर अच्छा लगा है, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई। सो दोस्तों कुछ दिन हम इसको यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद डेफिनेटली फॉर अ चेंज वहां पर भी ट्राई करेंगे, है ना दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, वंदना जी अपना इस पर जोर नहीं पूरा कर लेती है, वरना लंच में बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा रह गया ना अभी एंड में जिसका, तो वो देख लो ना आगे क्या होगा और फिर फिनिश कब होगा ये सब कुछ देख लो उसमें अपना। चलिए ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपकी खुशी में मेरी खुशी, खुशी इसकी आपकी, इसकी में मेरी इसकी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, टेक केयर, और लॉकडाउन चल रहा है भाई, स्टे सेफ और खुश रहिए, एंजॉय करिए और रिलैक्स रहिए। ओके थैंक यू, मिलते जल्दी अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय, सी यू सून।